हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त किशोर। आज का व्लॉग होने वाला है इस स्कूटी की क्लच बेल्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मेरी स्कूटी की बेल्ट अभी तक 3 बार टूटी है और तीनों बार ऐसे टूटी है, ऐसी जगह पे टूटी है जब मैं हाईवे पे 80 की स्पीड में था। तो वो तो गनीमत है कि मेरे पीछे से कोई आ नहीं रहा था, तो वरना बहुत गंदा एक्सीडेंट होता। तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरी बेल्ट टूटी है, तीसरी बार बस स्कूटर टूटते रह गई थी। आप ये मान लीजिए सर्विस के टाइम पे वो उन्होंने निकाल ली, अगर मैं थोड़ा सा और कहीं चलाता तो वो भी टूट जाती। तो मैं आपको इस ब्लॉग में आज क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ क्या रीज़न है बेल्ट टूटने का ना, और स्पेशली ये रेट्रोफिटमेंट स्कूटी में क्या क्यों बेल्ट टूटती है। मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगा, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा आज, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेल्ट टूटने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या ना कि हमारे स्कूटी में ये 2 टायर एक्स्ट्रा लगे होते हैं, ओके। इन 2 टायरों की वजह से जब मान लीजिए स्कूटी हम मोड़ेंगे, ठीक है, जब हम मोड़ते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए मैंने ऐसे रखा हुआ, मेरी उंगली है, अंगूठा है, मैं मोड़ूंगा और इस अंगूठे को ना मोड़ूं मैं, तो मेरे को यहाँ दर्द होगा ना, इस अंगूठे को ना मोड़ूं। तो सेम यही चीज़ है, स्कूटी के जो तीनों टायर है ना, तीनों टायर जमीन पे रहते हैं, ठीक है। और जब मैं मोड़ता हूँ ना, तो मोड़ते वक्त क्या होता है कि ये वो वाला टायर इस स्कूटी को अच्छे से मुड़ने नहीं देता। इसका मतलब इसका जोर जो है ना वो उसकी बेल्ट पे पड़ता है। बेल्ट पे पड़ने की वजह से बेल्ट उठते रहते हैं इसकी कमजोर। तो आपने कैसे कई स्कूटी देखी होंगी, कई रेट्रोफिटमेंट स्कूटी देखी होंगी जिनका एक टायर हमेशा उठा रहता है, जब वो चलाते हैं तो देखिएगा आप एक टायर को उठा रहता है। वो उठने का रीज़न यही है कि वही इसका सोल्यूशन है, अगर आपको ये चाहते हो कि आपकी बेल्ट बार बार ना टूटे, तो आपको रेट्रोफिटमेंट स्कूटी बनाते वक्त इसका एक टायर हमेशा थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रखना ही पड़ेगा। सो दैट 1 इंच ऊपर रखने से क्या हो, वो अच्छे से मुड़ सके, अच्छे से टर्न हो सके जब टर्न वाली जगह पे। मैंने क्या किया कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा एक भी टायर ऊपर हो रहे, मुझे चाहिए थे 3 टायर उस पर, जिसकी वजह से अब मैं वो चीज़ भुगत रहा हूँ। तो मेरी 2 बार बेल्ट टूट चुकी है वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि मेरी स्कूटी अच्छे से मुड़ नहीं पाती। जब मुड़ती है तो ये टायर उसको अच्छे से मुड़ने नहीं देता, तो उसका जो वजन है, मतलब जो उसका प्रेशर है, सारा उसकी बेल्ट के ऊपर पड़ता है। बेल्ट के ऊपर की पड़ने की वजह से बेल्ट टूट जाती है, यही एक कारण है। सोल्यूशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, सोल्यूशन में आपको यही करवाना है, जब कभी भी रेट्रोफिटमेंट स्कूटी बनवाए या आपके कोई जानकार हो, कोई भी, यानी भाई, दोस्त, बहन, कुछ भी हो, कोई भी बनवा रहा हो, तो प्लीज उनको जरूर ये बोलिएगा कि अगर आपको अपनी क्लच बेल्ट से प्यार है तो एक टायर हमेशा 1 इंच ऊपर जरूर रखवाइएगा। एक क्या मैं कहता हूँ, 2 टायर रखवाइएगा ऊपर हमेशा। उससे क्या होगा, आपकी स्कूटी अच्छे से टर्न भी कर पाएगी और वो प्रेशर भी नहीं पड़ेगा बेल्ट के ऊपर से। तो ऐसी मैंने कुछ छोटी 2 वीडियोस बनाई हैं जब मेरी बेल्ट टूट गई थी। जब पहली बार बेल्ट टूटी थी, जो चेंज करने आया था मैकेनिक ही आया था भाई, वो घर पे ही आए थे चेंज करने के लिए। तो ऐसी जब मेरी बेल्ट टूटी थी तो मैं दिखाता हूँ आपको उसमें कितने टुकड़े हुए थे बेल्ट के ना। तो वो छोटी छोटी कुछ 2 वीडियोस मैंने ऐसी बनाई है, 2 बार बेल्ट टूटी थी, तो वो 2 वीडियोस को भी मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, तो उसे एंड तक देखिएगा। और देखिएगा जब बेल्ट टूटती है तो उसके कितने चकनाचूर हो जाते हैं, वो कैसे होता है। और स्पेशली हम जैसों को तो ये हाल है कि हमारी बेल्ट बीच में टूट जाए, हम तो उसको धक्का भी नहीं मार सकते, हमें तो धक्का मारने के लिए भी कोई चाहिए ना। तो प्लीज़ आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी रेट्रोफिटमेंट स्कूटी बना रहे हैं तो हमेशा उसका एक टायर जरूर ऊपर उठा के रखिएगा, एक नहीं दोनों रखिएगा, 1-1 इंच, ज़्यादा नहीं, 1-1 इंच, ज़्यादा रखेंगे तो अल्टीमेटली आप ही को चलाने में परेशानी होने वाली है। तो यही इसका ये प्रॉब्लम थी और यही इसका एक सोल्यूशन था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज हो, सजेशंस हो, सुझाव हो, कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सजेशंस हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने में अगर कुछ सुधारना है तो मैं उसको सुधारूंगा प्लीज़, ठीक है। मोटिवेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने इस भाई को, ओके। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।